वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज साउथ, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म सरकारू वाड़ी पाटा इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है। महेश बाबू की इस फिल्म में उनके अपोजिट राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश नजर आने वाली है। इसी के साथ यह पहली बार होगा जब महेश बाबू और कीर्ति सुरेश एक साथ ऑन स्क्रीन नजर आएंगे। ऐसे में इनकी जोड़ी को लेकर भी फैंस काफी उत्साहित हैं। इसी बीच में महेश बाबू अपनी आगामी फिल्म सरकारू वाड़ी पाटा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल महेश बाबू और उनकी टीम अमेरिका में अब फिल्म के 2 महीने के शेड्यूल के लिए तैयार कर रहे हैं। निर्माताओं ने पहले ही कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है। सिचुएशन को देखते हुए बस वीजा के अप्रूव्ड होने का इंतजार है। इसके बाद पूरी टीम जनवरी 2021 में यूएस के लिए उड़ान भरेगी। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि अमेरिका में उन देशों में से एक है जो कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है। मेकर्स ने सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है। इस बीच फिल्म को प्री प्रोडक्शन काम शुरू हो चुका है। बता दें कि सरकारू वाड़ी पाटा का पहला टाइटल लुक महेश बाबू के पिता कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया था। इस फिल्म के निर्देशक परशुराम विजय देवकोंडा स्टारर फिल्म गीता गोविंदम को डायरेक्ट कर चुके हैं। इस फिल्म को दर्शकों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।